तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू दोस्तों आज की इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम की एक और न्यू वीडियो के अंदर। तो गाइस आज मैं आप लोगों को भाई बताने वाला हूँ, गाइस गेम के अंदर ना काफ़ी ज़्यादा न्यू अपडेट के अंदर मतलब बहुत सारी नई नई चीज़ें आ चुकी हैं। और गाइस उन सभी चीज़ों को आज मैं आपको ऐड करके दिखाने वाला हूँ गेम के अंदर, भाई कैसे ऐड कर सकते भाई बिल्कुल अपनी गेम का दोस्तों डेटा क्लियर कर दूंगा। और देखो गाइस मैं आपको दिखाता हूँ भाई, सबसे पहले देखो गाइस 7 डायल करने पर ये ओमनी आती है, और दोस्तों 8 डायल करूंगा दोस्तों यहाँ पे ये देखो स्विफ्ट आ गई, दोस्तों 9 डायल करने पे ये पता नहीं ये फार्म वाला ट्रैक्टर है, और दोस्तों 10 डायल करने पे बफेलो। दोस्तों ऐसे ही करके यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें आ गई है भाई गेम के अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे मैं और भी डायल कर सकता हूँ भाई, 6 डायल करने पे भाई ये आ जाएगा भाई ये एलिफेंट, और भाई 5 डायल करने पे ये क्या आता है ये देखो भाई ये ईगल मॉन्स्टर भाई, 1 डायल करने पे KGF वाली बाइक, और 2 डायल करने पे भाई ये लैम्बोर्गिनी टैरो। तो भाई आज मैं इन सभी चीज़ों को भाई आपको अपने गेम के अंदर भाई ऐड करने का तरीका बताने वाला हूँ। और दोस्तों 4 डायल करने पे स्नेक मॉन्स्टर, और दोस्तों 4 और दोस्तों 3 डायल करने पे बड़ा वाला मॉन्स्टर आ जाता है भाई। इन सभी को आज मैं आपको गेम के अंदर भाई डाउनलोड या इंस्टॉल करने का ऑप्शन बताऊंगा, मतलब अपने गेम के अंदर ऐड करने का तरीका बताने वाला हूँ भाई। इन सभी को भाई बहुत ही आसान तरीका होने वाला है, इस वीडियो को पूरा देखना भाई आखिर तक, भाई आप लोग समझ जाओगे कि भाई ये जो चीज़ें मैंने अभी अभी फ़ोन से मंगाई है ना भाई, उन सबको भाई आप कैसे कर सकते हो। पर इन सब के लिए एक ऐप लगता है भाई, मैं आपको दिखाता हूँ भाई, जो इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D का न्यू ऐप है, रोहित गेमिंग स्टूडियो का ये ऐप है। ये देखो गाइस IBD 3D प्लगइन भाई, आपको ये वाला ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा गाइस। मेरे में एक ऐप डाउनलोड है, और दोस्तों कल ही इस ऐप का एक न्यू अपडेट आया था, मतलब कल या 13 जून को आया था। तो गाइस इस ऐप का अपडेट आ गया, और गाइस ये देखो भाई इसका वर्जन क्या बोलते हैं भाई 26 वाला वर्जन चल रहा है। और गाइस ये देखो भाई यहाँ पे भाई ये सारे चीट कोड भाई इस तरीके से भाई चेंज हो गया भाई, यहाँ पे मतलब इन सभी के चीट कोड दिए गए हैं। और दोस्तों वहाँ पे देखो एनिमल भी लिखा है, और देखो गाइस इसका वर्जन भाई 36 है, मतलब 26 है, आप लोग भाई इस चीज़ का ध्यान रखना भाई 26 इसका वर्जन है भाई, यही वाला आपको भाई करना है डाउनलोड। तो दोस्तों आप डाउनलोड करोगे ना प्ले स्टोर पर जाके तो भाई आपका 26 वाला हो जाएगा, वरना अपडेट कर लेना। और देखो गाइस इसके अंदर भाई बफेलो ऐड हो गई है, और गाइस यहाँ पे देखो भाई ये ट्रैक्टर भी ऐड हो गया है। तो गाइस इसी ऐप से भाई आप लोग भाई इन सभी को अपने गेम के अंदर ऐड कर सकते हो। तो गाइस आज मैं आज की वाली वीडियो बताने वाला हूँ भाई किस तरीके से भाई आप इन सभी को भाई ऐड कर सकते हो। और देखो भाई ये प्लगइन वाला ऑप्शन है भाई, इसी ऑप्शन से भाई काम होगा भाई, इसी ऑप्शन से भाई सारी चीज़ भाई लोड होती है भाई अपने गेम के अंदर। तो ये देखो गाइस यहाँ पे एक इंस्टॉल का बटन आता है, जैसे हम इसको दबाते हैं यहाँ पे दोस्तों फाइल लोडेड लिखा रहा है, क्योंकि गाइस मैंने सारी फाइलें यहाँ पे लोड करके रखी हुई हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं अपनी गेम का भाई पूरा डाटा भाई क्लियर कर देता हूँ, फिर दोस्तों मैं आप लोगों को भाई दिखाता हूँ किस तरीके से भाई आपको करना है। दोस्तों पहले मैं आपको पूरा भाई न्यू गेम कर लेता हूँ, मतलब दोस्तों पूरा ही भाई डाटा क्लियर कर देता हूँ, फिर दोस्तों आपको भाई शुरू से दिखाऊंगा। तो ये देखो गाइस ये रहा भाई मेरा गेम, यहाँ पे कोने में आपको दिख रहा होगा। तो गाइस जैसे ही मैं इस पर लॉन्ग प्रेस करा रखूंगा ना, तो गाइस यहाँ पे देखो भाई FNPO का ऑप्शन आएगा, और दोस्तों यहाँ पे आगे डेटा एंड स्टोरेज में जाके देखो भाई ये रहा डेटा एंड चेच लिखा है यहाँ पे, दोस्तों इसी में आना है आपको। और यहाँ पे दोस्तों मैं आ रहा हूँ, और दोस्तों यहाँ से देखो मैंने यहाँ पे अपना क्लियर स्टोरेज यहाँ पे कर दिया है, देखो यहाँ पे क्लियर स्टोरेज पे दबा के भाई ओके पे भी मैंने क्लिक कर दिया है। यहाँ पे ओके पे क्लिक करने के बाद दोस्तों अपने गेम का भाई पूरा स्टोरेज भाई उड़ चुका है। अब दिखाता हूँ मैं दोस्तों आप लोगों को भाई गेम को दोबारा से ऑन करिए। तो ये देखो गाइस मैंने गेम को ऑन कर लिया है, दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ भाई गेम के अंदर भाई ये देखो भाई पूरा ऑन होने देते हैं, फिर दोस्तों मैं दिखाता हूँ भाई वो सारी चीज़ें ना अभी जो आई थी भाई जो मैंने चीट को डायल करे थे। तो दोस्तों अब भाई पूरा कैरेक्टर भाई ये देखो भाई कपड़े भी चेंज हो गए भाई, सब कुछ चेंज हो गया, क्योंकि दोस्तों गेम दोबारा से रिस्टार्ट कर लिया है मैंने। तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ भाई किस तरीके से भाई आपको अपने गेम के अंदर ऐड करना है। देखो गाइस मैं 1 डायल कर रहा हूँ, 2 डायल कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि दोस्तों वो अब गेम के अंदर से भाई हट चुकी है भाई उन सभी चीज़ों की फाइल। अब गाइस यहाँ पे भाई वो चीज़ें नहीं है, देखो भाई आप लोग देख पा रहे हो भाई यहाँ पे भाई कुछ भी नहीं है। तो भाई ये यहाँ से भाई हट चुका है भाई कैसे भी करके भाई, अब इसको यहाँ से भाई दोबारा लाना है। तो दोस्तों अब उसके लिए ना भाई अपना वो वाला ऐप लगेगा भाई जो IBD 3D प्लगइन ऐप है। तो दोस्तों मैं आपको भाई सबसे पहले कुछ चीज़ें ऐड करके दिखाता हूँ। तो ये देखो गाइस यहाँ पे अगर मैं KGF वाली बाइक को सिलेक्ट करता हूँ ना, ये देखो भाई मैंने, और दोस्तों आपको एक चीज़ का ध्यान रखना भाई आपके फ़ोन का दोस्तों इंटरनेट ऑन होना चाहिए भाई, एक चीज़ का भाई ध्यान रखना। बस दोस्तों मैंने KGF बाइक सिलेक्ट कर दिया, दोस्तों यहाँ पे KGF बाइक सिलेक्ट हो चुकी है। तो दोस्तों अब हमको आना भाई अपने IBD 3D प्लगइन ऐप में, मतलब दोस्तों अब इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D में आना है, दोस्तों प्लगइन वाले ऑप्शन में आके इंस्टॉल पे दबा देना है। अब दोस्तों हमको यहाँ पे कुछ टाइम भाई वेट करना पड़ेगा, तो चलो गाइस वेट करते हैं दोस्तों, देखते हैं भाई कब तक आता है भाई ये लोड होके। तो गाइस यहाँ पे मैंने दोस्तों कम से कम 1 मिनट वेट करा, उसके बाद देखो भाई यहाँ पे अपनी फाइल लोडेड लिखा आ चुका है, और दोस्तों अपना इंटरनेट दोस्तों ऑन ही रखना। तो दोस्तों मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ गाइस, देखते हैं भाई अपनी KGF वाली बाइक अपने गेम के अंदर ऐड हुई है कि नहीं हुई है। और गाइस अगर हो गई होगी ना, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक एंड दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना गाइस, क्योंकि आप लोगों को भाई ऐसी अपडेट से रिलेटेड वीडियो मिलती रहती है भाई चैनल पे। तो गाइस अब देखो मैं यहाँ पे फ़ोन निकाल लिया है, अब दोस्तों जैसे ही मैं 1 डायल कर रहा हूँ, तो देखो गाइस अपनी KGF वाली बाइक गेम के अंदर आ चुकी है दोस्तों, बिल्कुल ही आसानी से भाई गेम के अंदर भाई अपनी KGF वाली बाइक आ चुकी है।
और दोस्तों इसी तरीके से भाई आप भी भाई इस वाली बाइक को भाई और वो सारी चीज़ें हैं ना भाई उनको भी ऐड कर सकते हो। तो चलो गाइस मैं आपको भाई इन सभी को दोबारा से ऐड करके दिखाता हूँ। जो दो गाइस यहाँ पे आ गया भाई, एलिफेंट मैंने सेलेक्ट कर लिया है। तो गाइस इसी तरीके से गाइस आपको वो सारी चीज़ें कर लिया। गाइस मैं आपको एक एनिमल भी करके दिखा देता हूँ। दोस्तों हमको दोबारा से बैक आ जाना है और दोस्तों यहाँ पे इंस्टॉल का बटन दबा देना। तो गाइस यहाँ पे फिर से प्लीज वेट आ रहा है, तो गाइस इसको होने देते हैं। तो गाइस जो मेरी एलिफेंट वाली फाइल थी ना भाई वो 10 से 15 सेकंड के अंदर लोड हो गई। तो गाइस ये काफ़ी जल्दी होगी केजीएफ भाई के मुकाबले में, क्योंकि दोस्तों उसको लगा था एक से डेढ़ मिनट में भाई केजीएफ वाली बाइक की फाइल लोड हुई थी, और गाइस ये बस 10 से 15 सेकंड में ही लोड हो गई। तो गाइस ये काफ़ी ज़्यादा जल्दी लोड हो गई है। तो चलो गाइस मैं अब आपको एलिफेंट का चीट कोड डायल करके दिखाता हूँ। ये तो गाइस मैंने एलिफेंट डायल करा तो भाई एलिफेंट आ रहा है। तो गाइस कितनी बार भी 6 डायल करूँगा ना तो गाइस एलिफेंट आएगा। अब दोस्तों जैसे मैं 2 डायल कर रहा हूँ तो गाइस यहाँ पे लैम्बोर्गिनी टेरोज़ो या फिर वो मॉन्स्टर नहीं आ रहा है जो शुरुआत में आ रहा था, आप लोगों ने देखा होगा, पर दोस्तों अब नहीं आ रहा। दोस्तों 6 डायल करने पर मॉन्स्टर आ रहा है। तो दोस्तों वो मैंने सारे ऐसे ही करके ना दोस्तों सारे वो चीज़ें भाई सिलेक्ट कर ली हैं। और दोस्तों अब मेरा ये आखिरी रह गया है दोस्तों, ये बस ट्रैक्टर वाला, दोस्तों फार्म वाला ट्रैक्टर है ना, बस दोस्तों वही रह गया। दोस्तों मैं आपको वही करके दिखाता हूँ। पहले दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ मैंने दोस्तों क्या क्या भाई गेम के अंदर भाई ऐड कर लिया है। पहले वह दोस्तों एक जगह पे चलते भाई एयरपोर्ट पे। अरे गाइस ये क्या होगा भाई, एयरपोर्ट पे जा ही नहीं रहा है, पता नहीं भाई ग्लिच हो गया भाई कुछ भाई। एक बार फिर से करके देखते भाई, अगर एयरपोर्ट पे चला गया तो ठीक है वरना नहीं। तो गाइस ये देखो भाई मैं अब बाहर आ गया हूँ। अब दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ। गाइस ये देखो भाई यहाँ पे मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें भाई वो करके रखी हैं। देखो गाइस ये देखो गाइस एक पे के जे बाइक, दो पे दोस्तों ये लैम्बोर्गिनी टायर, दो दोस्तों 3 पे ये भाई। इसी तरीके से गाइस मैंने इन सभी की फाइल लोड कर ली भाई, और आप भी भाई इसी तरीके से अपने गेम के अंदर भाई इस फाइल को लोड कर लेना। फिर गाइस आपके आपके गेम के अंदर भी भाई ये सारी फाइलें आ जाएंगी। गाइस जिस तरीके से मैंने करी भाई उस तरीके से आप भी करोगे ना तो गाइस आपके गेम के अंदर भी भाई ये सारी फाइलें आ जाएंगी। मतलब दोस्तों ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, ये ओमनी वैनी है एलिफेंट, और दोस्तों ये तो दोस्तों मैंने 0 डायल कर दिया था गलती से, और दोस्तों ये भी सारी चीज़ें, मतलब मैंने सारी चीज़ें भाई गेम के अंदर दोबारा से लोड कर लिया है। और गाइस अब वो आखिरी भाई ट्रैक्टर रह गया। तो गाइस मैं प्लग इन वाले ऑप्शन में आके दोबारा से इंस्टॉल दबा देता हूँ। तो गाइस अब दोस्तों वो अपना ट्रैक्टर भी लोड हो रहा है। गाइस इसी तरीके से आपको भाई सारी कर लेने भाई एक एक करके, जैसे मैंने करी है ना गाइस आपको भी एक एक करके भाई वो सारी कर लेने, फिर गाइस आपका भी काम हो जाएगा बस। तो चलो गाइस इसको भी भाई प्लीज लोड होने भाई प्लीज वेट लिखा आ रहा है। तो चलो गाइस देखते भाई कितना टाइम लगता है भाई इसको होने में। तो गाइस अभी भाई लिखा ही आ रहा है, चलो भाई होने देते भाई इसको। तो गाइस ये देखो भाई फाइल लोड यहाँ पे अब आराम से भाई लिखा आ चुका है, अब मतलब अपना काम हो गया भाई। थोड़ा टाइम वेट करा भाई, अब की बार मैंने रियल टाइम दिखाया मतलब कितना टाइम लगता है भाई इस वाली फाइल को लोड होने में। और गाइस इंटरनेट को ऑन रख रहे हैं बस आपके फ़ोन के अंदर। चलो गाइस मैंने दोस्तों एक जगह पे प्लेयर की पोजीशन सेव करके रखी है, दोस्तों उस जगह पे चलते हैं भाई। दोस्तों लोड मैं दबा रहा हूँ पर दोस्तों पता नहीं वहाँ पे भाई क्यों नहीं जा रहा है भाई, ग्लिच हो जा रहा है भाई। मैंने पहले ही दोस्तों सेव करी थी भाई वहाँ पे जाके, पर दोस्तों वहाँ पे जा ही नहीं रहा है वो। तो चलो गाइस अब इसको छोड़ते भाई, मैंने 2 बार करके देख लिया भाई, ये 3री बार भाई ऐसा हो गया भाई, ग्लिच सा हो गया भाई वो कोई। तो चलो गाइस अब मैं आपको वहाँ पे जाके दिखाता हूँ भाई डायरेक्टली। तो गाइस ये देखो मैं बाहर आ गया हूँ, दोस्तों मैं आपको बाहर आके भाई सारी चीज़ें भाई दिखाता हूँ। पर दोस्तों बाहर से बढ़िया मैं सोच रहा हूँ दोस्तों मेगा रैम वाली जगह पे जाऊँ, वरना वो दोस्तों सारी चीज़ें भाई हिल जाती भाई अपनी जगह से। ये देखो गाइस यहाँ पे मैं 1 डायल कर रहा हूँ तो गाइस ये केजीएफ वाली बाइक आ गई। दोस्तों 2 डायल करने भाई अपनी लैम्बोर्गिनी टेरोज़ो आ गई। तो चलो गाइस यहाँ पे बस इतनी ही कर लेते भाई, अब दोस्तों चैलेंज वाली जगह पे चलते हैं, यहाँ से वो सारी चीज़ें हिलेंगी नहीं यार, अगर मैं वो डायल करूँगा तो भाई वो डोलते रह जाएगा। अब गाइस मैं इस जगह पे आ चुका हूँ, अब दोस्तों मैं आपको भाई दिखाता हूँ भाई सारी चीज़ें भाई दोबारा से लोड करा के। तो ये देखो गाइस 1 डायल करने पे अपनी केजीएफ वाली बाइक आ गई, 3 डायल करने पे दोस्तों ये मॉन्स्टर आ जाएगा, दोस्तों 2 डायल करने पे लैम्बोर्गिनी टेरोज़ो, 6 पे दोस्तों एलिफेंट, और दोस्तों ईगल मॉन्स्टर, और दोस्तों ये ओमनी, और दोस्तों पता नहीं भाई सारी चीज़ें भाई मैंने ऐड कर दी भाई। इसी तरीके से गाइस मैंने करी है ना, आप भी कर लेना भाई, आपके गेम में भी 100% ऐड हो जाएंगी। और गाइस अगर आपको भाई ये वाली वीडियो में कुछ भी समझ में आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों इसी तरीके से भाई आपके गेम के अंदर भी भाई ये सारी चीज़ें ऐड हो जाएंगी जिस तरीके से भाई मैंने करी है। तो चलो गाइस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।